अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव में जो है ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम सजाया गया है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि प्रोग्राम का कितना बड़ा तैयारी हुआ है या कैसा कैसा तैयारी किया है, कौन कौन आ रहा है। तो अभी जो है मैं आ चुका हूँ स्टेट के अंदर और हमारे साथ है मुखिया जी और ये वार्ड सदस्य है और ये आजम भाई भी आए हुए हैं, तो इनसे कुछ पूछते हैं। हाँ मुखिया जी, तो आपसे ही पूछते हैं कि मतलब कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा होगा। देखिए, ये जश्न ईद मिलादुल नबी है और हर साल इस प्रोग्राम को सजाया जाता है और हर साल प्रोग्राम होता है यहाँ पर, और कितना मजमा होगा अभी तक अनुमान नहीं है। लगभग मजमा तो अच्छा होता है हर साल, इस साल भी उम्मीद है कि मजमा अच्छा होगा। और इस साल हम लोग प्रोग्राम दो रात का किए हैं, आज की रात और कल की रात, मतलब कि 8 के रात और 9 के रात को। और शायर इस्लाम भी दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ तो नामी गिरामी शायर हैं, नादिर जमाली साहब हैं, भमरुल इशे हैं आपको पीर साहब, अनवारुल कादरी साहब, मंजूर साहब हैं और शहीद परवाज अरशद परवाज हैं। और हर साल हम लोग प्रोग्राम को मिल करके पूरे गांव मिल करके सजाते हैं और हर बच्चा का सहयोग रहता है, हर बुजुर्गों का सहयोग रहता है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और अल्लाह मालिक इंशाल्लाह कि मेरा गांव का गांव ताजखंड में प्रोग्राम सक्सेस होगा। हाँ तो आजम साहब, आपसे पूछते हैं कि ये जो मौलाना आ रहा है या मुकर्रर या फिर नात कहने वाला, तो इन सभी का आप नात सुने हैं? हाँ सुने हैं। तो कैसा लगता है कि मतलब के दूर तरफ से लोग आएंगे? उम्मीद है कि पहली रात कम आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह प्रोग्राम है लगभग और हर गांव में हर मोहल्ला में जश्न ईद मिलादुन्नबी का, फातिया शेरनी तबर्रुक जो बनता है, तो लगभग पूरी रात तबर्रुक पकाते पकाते आज के दिन तो कम ही होंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल उम्मीद से ज़्यादा आदमी उभरेंगे और आपका जलसा कामयाब रहेंगे। अच्छा, तो आज कम आदमी आने का वजह है कि मतलब कि हर गांव में प्रोग्राम है? हाँ। और कल जो है यानी कि प्रोग्राम नहीं है? नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, तो और मैं अपने इलाके के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए लोग और प्रोग्राम को सक्सेस कराएं और कल प्रोग्राम में ज़रूर आएं, और आज के प्रोग्राम में अगर नहीं आ पाएं किसी कारण से, कल इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचिएगा। कल इससे बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है और उम्मीद करता हूँ सारे लोगों से, इलाके के लोगों से, कि कल पहुँचेंगे। हाँ तो मेम्बर साहब जी, तो ये प्रोग्राम जो है ईद मिलादुन्नबी, तो कल क्या यहाँ से जैसे कि जुलूस या रैली निकलते हैं तो निकलेंगे? जी देखिए, जश्न ईद मिलादुन्नबी सरजमीन ताजखंड हर साल जो है यहाँ से जुलूस और जलसा का प्रोग्राम होता है, तो इस साल भी जो है तो पिछले साल और उससे पिछले साल जो है एक रात की जलसा होती थी, अब जो है दो रात का इस बार जो है प्रोग्राम रखा गया है कि कल जो है जुलूस निकलेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद जो है जलसा का प्रोग्राम रखा गया है। और हमारे जितने भी आपके चैनल से व्यूवर्स हैं और आपके माध्यम से देख रहे हैं, तो मिलादुन्नबी की जलसा को जो है आप लोग आइए सरजमीन ताजखंड में और कामयाब करें, क्योंकि ये आज जो है बहुत खुशी की बात है कि हमारा गांव मिलकर के जो है इस प्रोग्राम को फिर अंजाम दिया हर साल के भांति इस साल भी।
और हमारे गांव के छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े लोग जो है इस प्रोग्राम में सहयोग किए हैं, और ख़ास करके इस्लाही कमेटी नौजवान जो है मेरे ताजगंज का एक कमेटी है, उसका बहुत अहम रोल रहा है हमेशा के बाद इस बार कि जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। तो इस्लाही कमेटी ही है जो यहाँ के सदर, सेक्रेटरी और मेंबर्स जितने हैं सब भरपूर मदद करते हैं इस प्रोग्राम को करने में। ठीक।